पहले मैं आपको आपका सबका अपने इस निवास स्थान पर स्वागत करता हूँ और मैं चाहूंगा कंसंट्रेट होकर मुझे 5 मिनट सुन लो बस, बिल्कुल टाइम खराब किसी का नहीं करेंगे, बहुत कीमती टाइम है। समाज की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, केंद्र की सरकार ने सारे शेड्यूल कास्ट की या जनरल पुरानी वैकेंसी उनमें ज्यादातर हमारी थी, लाखों की वैकेंसी जो है खत्म कर दी, लाखों वैकेंसी खत्म होने से सबसे बड़ा नुकसान हमारे समाज का हुआ है। ऊपर से फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से आउटसोर्स कर रखा है, उसमें भी जो नुकसान हुआ पूरी तरह हमारा हुआ है। बड़े बड़े पब्लिक स्कूल खोल कर सरकारी स्कूलों का तबाह किया है, उसमें भी पूरा नुकसान हमारे समाज का हुआ है। बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आदि मैनेजमेंट कॉलेज ये जो खुले हैं जहाँ लाखों रुपए की फीस है, इसका भी सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे समाज को हुआ है, क्योंकि हमारे समाज के आज भी 99.9% लोग एक साल में लाख रुपए की फीस नहीं दे सकते। आज 8 महीने पूरे हो गए, 9वां महीना 19 तारीख को मुझे मंत्री बने हुए हो जाएगा, और मैंने आज इसलिए बुलाया, एक तो जो हमारा SC ST फंड की वेलफेयर कमेटी जो बन रही है उस जिस गति से वो बन के आ जानी चाहिए थी अभी नहीं बनी, तो क्या मैं इसका मतलब ये मान लूं कि हम अपने SC ST के फंड को ईमानदारी से ढंग से लगाना नहीं चाहते? क्या मैं ये मान लूं कि उस फंड से हो रहे काम की हम निगरानी नहीं करना चाहते? क्या मैं ये मान लूं SC ST फंड को अगर पहले लोग लूट के खा जाते थे, आधा खर्च होता था आधा खा जाते थे, तो वो आगे भी ऐसे होगा हम रोक नहीं पाएंगे? पहले आप हाँ या ना मतलब क्या मुझे रोक सकते हैं? तो फिर तो कम से कम 21-21 की हर वार्ड से कमेटी आ जानी चाहिए थी, वो नहीं आई है, इसका मतलब हम उस पर गंभीर नहीं है। एक बार वो आ जाए तो उसे बकायदा उसका कानूनी अमला पहनाना है, उसे उसको कानूनी दायित्व सौंपना है। लाखों नहीं करोड़ों का फंड है, उसके खर्च पे अगर हम नजर रखें, जहाँ चौपाल बन रही है, अम्बेडकर चौपाल बन रही है, वाल्मीकि चौपाल बन रही है, रविदास मंदिर बन रहा है, या गलियां बन रही है, नालियां बन रही है, पार्क का डेवलपमेंट हो रहा है, हम इतना तो करें उस फंड से हो रहे हर काम के नजर रखें कि उसकी क्वालिटी खराब ना होने पाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ दिल्ली में मैं जाके हालात देख रहा हूँ पुरानी चौपालों का, 10-12 साल के अंदर चौपाल ऐसी होगी टूटने के लायक, इसका मतलब हुआ कि उसमें 70% पैसा खा गए वो लोग ठेकेदार और नेता मिलके। तो भाई भविष्य में हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। आज मैं इस विभाग का मंत्री हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई काम अकेला अपने आप ना करूँ, मैं चाहता हूँ मैं समाज के सब लोगों को साथ लेके मजबूती के साथ, अगर आप मेरी चाहत से सहमत हैं तो फिर मेरे उस आंदोलन का हिस्सा बनो ना, वो गठन करके दे दो, ठीक है? दूसरी बात, हमने 270 लोगों की 72 लोगों की वो बना के भेजी थी शुरूकास्ट जो वेलफेयर कमेटी के लिए बोर्ड के लिए, CM ने कहा इसको 100 करो सिर्फ, यानी उसमें से 170 काटने पड़ेंगे बना। तो हम ये देख रहे हैं जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग लगातार आते हैं, जो लोग सामाजिक मुद्दों पर गंभीर हैं, केवल ऐसे लोग ही बनने चाहिए, जो लोग समाज के मुद्दों पर गंभीर नहीं है ऐसे लोग वेलफेयर बोर्ड के मेंबर नहीं बनने चाहिए। हमें खामेखा तमगा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो समाज के दर्द में परेशान होता है, चिंतित होता है, ऐसे लोग उसके मेंबर बनने चाहिए। सहमत है आप? हम 272 को काट के 100 करेंगे। जो लोग लगातार गंभीरता दिखा रहे हैं सामाजिक मुद्दों पर वो उसमें रहेंगे, जो नहीं दिखा रहे वो नहीं रहेंगे। मंत्री बनने के बाद जो काम अभी तक मैंने लगभग 9.25 महीने में किए हैं, मैं चाहता हूं मैं अपने काम का ब्यौरा आज आपके सामने रखूं। ये समझ लो कि आप समाज के जिम्मेदार लोग हो और आपने मुझे कोई जिम्मेदारी दी, अब मैं अपने काम का ब्यौरा आपको दे दूं, लेखा जोखा आपके सामने रख दूं, ठीक है?
मेरे को एक जिम्मेदारी मिलने के बाद जो टारगेट हमने यहाँ बैठ के डिस्कस किए थे उनमें एक टारगेट था दिल्ली के अंदर सुपरकास्ट कमीशन का गठन करना। तो वो काम कहाँ तक पहुँचा मैं वो आपको जानकारी दे दूँ। मैंने सुपरकास्ट कमीशन के गठन का बिल बनाकर सीएम को दिया, सीएम ने बिल को पढ़ लिया, ओके कर दिया, बल्कि और मजबूत हमने कर दिया उसको उनकी सहमति से। सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है प्लानिंग फाइनेंस और हमारा लॉ, उन सब डिपार्टमेंट में उसकी कॉपी चली गई। लॉ डिपार्टमेंट उसकी वेटिंग कर रहा है। लॉ डिपार्टमेंट से, फाइनेंस से और प्लानिंग से उसके कमेंट एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। उसके आने के बाद उनके कमेंट का जवाब देकर उसके बाद ये फाइल जाएगी होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्ट्री से अगर कोई ऑब्जेक्शन या छोटा मोटा चेंजेस आता है तो उसको करने के बाद उसके बाद हम एलजी से परमिशन लेंगे विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने की, सुरक्षा कमीशन को गठित करने के बिल को विधानसभा में रखने की। उसमें फिर विधानसभा में बिल पास होगा, पास होकर फिर ये राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा, वहाँ से अनुमति होकर आ जाएगी। उसके बाद दिल्ली के अंदर सुरक्षा कमीशन का गठन बन जाएगा, हो जाएगा। और वो गठन राजनीतिक तरीके का नहीं होगा, जैसे पोस्ट बनाए बांटी जाती है ना राजनीति में किसी को संतुष्ट करने के लिए, ये ऐसा नहीं होगा। ये कमीशन एक मजबूत कमीशन होगा जो दलित मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक ईमानदारी से कार्रवाई करेगा। कोई भी अप्रोच लगाएगा, इसको मेंबर बना दो, इसको चेयरमैन बना दो, हम सुनेंगे सबकी, लेकिन जो उस पद के न्याय करने के योग्य लगेगा हम उसको बनाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये काम यहाँ तक पहुँच गया कि आज लॉ डिपार्टमेंट में, फाइनेंस में और प्लानिंग में वेटिंग के लिए गया हुआ है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ दूसरा काम, सुपरकास्ट वेलफेयर बोर्ड, बोर्ड का मैंने अभी बताया 272 का कंप्लीट करके डाटा भेज दिया और वहाँ से आया कि इतने ज़्यादा लोग कभी नहीं बने, आप इसको 100 करिए। और हम भी ये देख रहे हैं गंभीर लोग उनमें से 100 दिख रहे हैं, तो हम इसको एक हफ्ते के अंदर अंदर वो फाइल अब 100 होकर दोबारा सीएम के पास जाएगी और वहाँ से ओके होने के बाद उपराज्यपाल की मंजूरी मिलकर मुझे पूरी उम्मीद है 15 दिन के अंदर वेलफेयर बोर्ड का गठन हो जाएगा। उसके बाद एससी एसटी फंड कहाँ कहाँ कितना दिया गया, उससे कौन कौन से काम चल रहे हैं, वो सारे मेंबर्स भी और वो जो कमेटी का गठन हो रहा है वो मिलकर उस पर नज़र रखेंगे काम पर और पूरी रिपोर्ट आके सरकार को देंगे, ताकि ऐसा ना होने पाए कि सारा फंड जैसे पहले लुट जाता था, बनते अंबेडकर भवन, बुद्ध विहार, अंबेडकर भवन, रविदास मंदिर या दूसरे इस तरह के चौपाल वगैरह बनी है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा घटिया रही है। अब जो इस कार्यकाल में जितनी भी चौपाल बन रही हैं आप जाकर उसकी क्वालिटी चेक करना और जो पुरानी बनी उनको देख लेना, और नई वाली में कहीं भी जरा सी भी काम में दिक्कत नजर आए, अगर आपको लगे सीमेंट ठीक नहीं लगा रहे, आपको लगे ईंट ठीक नहीं लगा रहे, आपको लगे क्वालिटी इन्फीरियर है, उस काम को तुरंत रुकवाना और मुझे सूचना दे देना। किसी कीमत पर पेमेंट नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जो 21-21 लोगों की कमेटी बननी है, मेरा निवेदन है इसको आप जल्दी से जल्दी 2-3 दिन के अंदर पूरा करवाइए। पिछले जितने भी स्कॉलरशिप रुके हुए थे, किसी भी कारण से रुके हुए थे, आपको जान के गर्व होगा 12 लाख से ज़्यादा स्कॉलरशिप पिछली सारी हमने क्लियर कर दी है। और हमने एक ऑर्डर और निकाल दिया कि अगर किसी की स्कॉलरशिप किसी के पेपर पूरे ना होने की वजह से या एप्लीकेंट की किसी भी कोई गलती की वजह से रुक गई, हमने उनको चिट्ठी लिखी, उनको फ़ोन किया, उनको SMS किया, आप अपनी गलती आज भी पूरी दूर कर दो गलतियाँ, अभी भी तुम्हारे पुरानी से पुरानी सारी स्कॉलरशिप क्लियर कर। लोग लगातार आ रहे हैं, 3-3, 4-4 साल पुराने अपनी पुरानी गलती दूर कर रहे हैं, उनकी सबकी स्कॉलरशिप पे की जा रही है। केवल एक ऐसा आया जिसका पायलट का ट्रेनिंग का था, उसके तो 44-45-50 हज़ार लाख के करीब की, वो सब यहाँ से डिसमिस हो गया था, हमने उसको भी दोबारा मंगवा कर पूरा सेंटर से भी और दिल्ली से सारा क्लियर करवा दिया है। मुझे लगता है आपने उस परिवार के वो 40-44 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे। और मैं निवेदन करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग करें, जहाँ सरकार आपको फंड दे रही है
आप उसका लाभ तो उठाओ, आप अपने दोस्तों को, परिवार में, रिश्तेदार में, सबको बताओ, समाज के लोगों को। जो जो कोर्सेज सरकार कराती है या ट्रेनिंग कराती है, वो बहुत सारे ऐसे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, बहुत सारे जो दिल्ली के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो उसमें हम गंभीर हैं, आप भी गंभीर हो जाओ। अब कोशिश करेंगे, कुछ लोगों को विदेश भी भेजेंगे पढ़ने के लिए, पैसा है, लोग तो आने पड़ेंगे ना, जो हायर एजुकेशन के जानते हैं आएंगे नहीं तो भेजेंगे किसे। एक और जानकारी दे दूँ, पिछले दिनों हमने 9 दिसंबर को एक स्कीम लॉन्च की थी, याद होगा आपको, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, उसमें 17 इंस्टीट्यूट आ गए हैं और उन 17 इंस्टीट्यूट के द्वारा एडमिशन का प्रोसेस आने वाले 10 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। अखबार में ऐड आएगा कि प्रोसेस शुरू हो गया, अब आप अपना दाखिला लेना शुरू करो। तो आप लोग भी समाज के जो बच्चे अग्रणी हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, पर कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कोचिंग ज्वाइन करवाना। और इस बार तो चूंकि महीने ही 2 बचे थे, अब तो 1.5 ही बचा है समझो, तो इस बार तो 100 बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं क्योंकि 1.5 महीना बचा है। लेकिन अगले बजट में मैंने 5,000 बच्चों का फंड रिजर्व करवाया। अगली बार दिल्ली के जाने माने इंस्टीट्यूट में 5,000 बच्चों को ट्रेनिंग करवाएंगे और उन बच्चों को लाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी सबकी है। हालांकि अखबार में ऐड जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमारे लोग अखबार के ऐड या बड़े बड़े होर्डिंग कम पढ़ते हैं। तो मेरा निवेदन, आप जाकर उनको डायरेक्ट लोगों को बताइए कि लोग अप्लाई करें और उसका लाभ उठाएं। तो ये काम भी आपका काफ़ी आगे पहुंच चुका है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये समाज की ताकत को बनाना बहुत ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इस कुर्सी पर कौन बैठा है, एक्स वाई जेड कोच बैठा, आज मैं, कल हो सकता है कोई और हो, लेकिन यहाँ से जो काम समाज के हित में होने चाहिए वो काम और तेज गति से हो और वो क्वालिटेटिव हो, उसमें कोई भी शिथिलता ना आने पाए, इसके लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। हम और आप सब मिलके कंधे से कंधा मिला के अगर सामाजिक आंदोलन को आगे लेकर चलेंगे तो कोई राजनीतिक पार्टी की ताकत नहीं है जो हमारी बात को सुनने से इनकार कर दे। हमारी पार्टी नहीं, दूसरी भी कोई पार्टी जो सत्ता में अलग अलग राज्यों में या केंद्र में, अगर हम सब लोग मजबूती से एकजुट रहें तो किसी की ताकत नहीं है कि हमारे मुद्दों को दरकिनार कर दे या ओवरलुक कर दे। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसको लंबा मिशन समझ कर चलो। ये जो हम यहाँ से डेवलप कर रहे हैं, इसको, इस जगह को आप आंदोलन का गढ़ बना दो, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के अधिकारों के लिए आंदोलन का गढ़, और उसको आप खुद चलाओ। मैं तो सबके लिए ओपन कहता हूँ, सब आइए इस आंदोलन को अपने हाथ में लेकर चलाइए, इस आंदोलन का सब हिस्सा बनिए। मेरे अकेले की जिम्मेदारी है, हमारे जो साथी बैठे हैं जो मेन लीड रोल निभा रहे हैं, बल्कि आप तो सारे मेन लीड रोल वाले हो क्योंकि आम आदमी को नहीं बुलाया गया, ये तो अपने जो मेन जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं ये सारे आप मेन हो। आप में हर आदमी ऐसा है जो कम से कम 1-2-3 बसें भर के ला सकता है, या कमजोर भी है कोई, जो कमजोर हाथ उठा लो, एक आधा ऐसा जो एक बस भी नहीं भर सकता। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर कोई ऐसा जो एक बस भी नहीं भर सकता तो हाथ उठा लो। देख लो जी, तुम्हारे सामने गवाही है, इसका मतलब हर आदमी एक बस तो कम से कम लाने वाले ताकत रखता है। इसका मतलब ये हुआ सामाजिक आंदोलन अब चलने से कोई रोक नहीं सकता, और मुझे लगता हमें अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। और मेरा घर, दफ्तर, ये समाज के लिए हमेशा अवेलेबल है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अच्छे से अच्छा आइडियाज़ दीजिए और हमारे साथ मिलके काम कीजिए। इसको ये समझिए कि आप ही चला रहे हो, आप ये सोच के आओ कि आप किसी दूसरे के दफ्तर में नहीं जा रहे हो, आप ये सोच के आओ आप अपने दफ्तर में जा रहे हो, वहाँ से आप पूरे समाज का, पूरे देश का आंदोलन चलाओगे। और आपकी जो भी बढ़िया से बढ़िया सलाह मिलेगी उस सलाह को हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और राहुल, तेरा पैर ठीक हो गया? नहीं, ये बता भाई, भाई का एक्सीडेंट हो गया था अभी, तो ठीक है। मुझे लगता है कि अब हम समाज को सही दिशा देने में सक्षम है, काबिल है, योग्य है, हमें किसी दूसरे पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। एक खुशी की बात और बता दूँ, जो पीछे सीवर के अंदर डेथ हुई थी, उस वक्त मैं जल मंत्री भी था, मैंने उस वक्त संकल्प किया था कि अब भविष्य में सीवर में डेथ नहीं होने देंगे, इसको पूरा मैकेनाइज करेंगे। और साथ में मैंने ये भी कहा था, जो सीवर साफ करने का काम करते थे उनका रोजगार नहीं जाएगा, जितना आज कमाते कम से कम उससे दुगना कमाएंगे।
आज जल बोर्ड में वो स्कीम हमारी पास हो गई, 200 मशीनें खरीदी जाएंगी और हमारी लोग खरीदेंगे और उनको वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, वही मशीन से सारी इसकी साफ सफाई होगी, एक मशीन पर 4 लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे ही लोगों की मशीन होंगी, हमारे लोग काम कर रहे होंगे। जो 5-7 हज़ार रुपये कमाता था वो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये कमाएगा, कम से कम 15-20। और मुझे खुशी है, गर्व के साथ कह रहा हूँ, स्कीम आसान नहीं थी पास करानी, लेकिन वो जल बोर्ड से ही पास होगी, सब जगह से क्लियर है, बहुत जल्दी मशीनें खरीदने का काम शुरू होने वाला है और उसमें हम सब बीच बीच में चर्चा करते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि हम उसको मतलब सक्सेसफुल हो गए, उसको उस अंजाम तक पहुँचाने के। एक तो था बोलना, भाषण देकर बोल के छोड़ देना, लेकिन हमें उसे अंजाम तक पहुँचा दिया। दूसरा, इसके इसमें जितने केसेज हुए सब में हमने 304 ए की बजाय 304 लगवा दी, यानी गैर इरादतन हत्या। अब सजा 2 साल नहीं होगी, अब तो सजा कम से कम 10 साल होगी। जो भी कोई इस कानून का अवहेलना करेगा, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में जो कानून बना है, और हमने पुराने पुराने केस ढूंढ ढूंढ के 1993 तक के केस ढूंढ ढूंढ के 10-10 लाख हुए, और बहुत सारे केसेस जिनको 5-5 एसएससी डिपार्टमेंट से भी दे दिए, 15-15 लाख रुपए दे दिए, और आने वाले समय में उस समाज के लोगों को मुख्य धारा में ला के पूरी तरह से मैकेनाइज, मतलब किसी को अंदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तरह मैकेनाइज कर दिया। मशीन इस तरह की बनवाई है कि उसके बीच बीच में बुलाई गई मशीन का डेमो हुआ, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े ताकि उसमें सारी चीज़ें उसी मशीन में आ जाए, और वो सारा मशीन पूना में तैयार हो रही है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे समाज के लोग और ज़्यादा मजबूत होंगे, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि लोगों को ये एहसास ज़रूर करा दो, हम अब किसी के गुलाम नहीं हैं, हम एकजुट हैं तो हम अपने लिए, हम एकजुट राजेंद्र गौतम के लिए नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि राजेंद्र गौतम तो एक नेता हो गया, आज राजेंद्र गौतम कल कोई और होगा, अगर ईमानदार नहीं हुआ तो सबकी मेहनत को खा जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आप एकजुट हो अपने हक के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए, अपने समाज को प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाने के लिए, आप सब एकजुट इसलिए ना हो कि राजेंद्र गौतम की तरक्की हो, तरक्की ये व्यक्ति की हुई तो क्या हुई, पूरे समाज की तरक्की हम लोग लेके मिलजुल के करेंगे तो हम सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी बाबा साहब का सपना साकार होगा। तो डॉक्टर ने कहा अभी बोलना ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।